जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम एनिमल बिहेवियर पढ़ रहे थे और उसमें आज कुछ और टर्म्स जो हैं उसको डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें एग्नोस्टिक बिहेवियर है, टेरिटरीज एंड डोमिनेंस हायरार्कीज, ये तीन टर्म्स हैं जिनको हम थोड़ा देखेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। एग्नोस्टिक बिहेवियर, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो ग्रुप हैं एनिमल्स के, उनमें बाज एनिमल जो हैं वो बहुत अग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं, ख़ास तौर पे फूड के टाइम पे और रिप्रोडक्शन के टाइम पे। तो मकसद जब भी बिहेवियर है उसका मकसद ये होता है कि अच्छे से अच्छे जीन्स जो हैं वो अगली नस्ल के अंदर जाएं, और ज़ाहिर है जो पावरफुल उनमें ग्रुप में जो भी इंडिविजुअल पावरफुल होता है, वो बर्ड्स हों, वो मैमल्स हों, वो फूड भी ज़्यादा हासिल करता है और रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। सो बिहेवियर इन विच वन एनिमल इज़ अग्रेसिव और अटैक्स अनदर एनिमल, सो जो अग्रेसिव है और ज़्यादा अटैक करता है दूसरों पे, by returning the aggression or submitting is called agnostic behavior. सामने से अगर कोई agnostic behavior करता है तो उसको उतनी ही powerfully वो जो है वो जवाब देता है। A society of animals maintain such structure. Agnostic behavior is lethal in rare cases. बहुत कम होता है कि जो सामने वाला जो कमज़ोर एनिमल है वो मर जाए, वो आमतौर पे या तो एक्सेप्ट कर लेते हैं या भाग जाते हैं। यूजली द एनिमल्स आर नॉट किल्ड और सीवियर इंजर्ड, सो द मेल्स शो सच एग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ थ्रेट डिस्प्ले, बाज़ूकात मुख्तलिफ वो पोस्टर से, आवाज़ों से और मुख्तलिफ कलर्स के साथ ऐसा शो करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये मेल करते हैं और बहुत रेयर है कि कोई फीमेल जो है वो अग्रेसिव बिहेवियर शो करे। सो उसके बाद जो दूसरी टर्म है वो है टेरिटरी। टेरिटरी आपने देखा होगा कि जब बर्ड्स के अंदर ख़ास तौर पे है और बहुत सारे मैमल्स के अंदर भी है कि वो अपने एरिए को डिज़ाइन करते हैं। आम तौर पे आपने देखा होगा कि जो कई बर्ड्स हैं वो ऊंची आवाज़ निकालते हैं, ख़ास तरह की बाज़ ड्रोनी आवाज़ें निकालते हैं ताकि दूसरा एनिमल ना, बाज़ स्मेल इस्तेमाल करते हैं कि जो स्मेल है वो जहाँ तक जाए वहाँ तक कोई दूसरा एनिमल जो है जो कॉम्पिटिटिव मेल है वो ना आए, और इसी तरीके से उनमें जो टेरिटरी को डिज़ाइन, आपने देखा होगा कि वो स्मेल देने के लिए, अगर बिल्लियों को आपने देखा होगा घर के अंदर, क्योंकि उनके अंदर अभी भी वाइल्ड जो जिसको कहना चाहिए एटीट्यूड है, तो वो जगह जगह जो है वो यूरिन करती हैं और ख़ास एरिए के अंदर करती हैं, और वो बड़ा स्मेली यूरिन होता है, और ये बेसिकली टेरिटरी का अनाउंस होता है कि भाई ये एरिया मेरा है, और ये भी आमतौर पे रिप्रोडक्शन के लिए और उसी टाइम पे फूड के लिए करता है, रिप्रोडक्शन के लिए। उसके बाद डोमिनेंस हायरार्की है। डोमिनेंस हायरार्की द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रुप्स ऑफ एनिमल इन विच अ वे दैट सम मेंबर्स ऑफ द ग्रुप हैव ग्रेटर एक्सेस टू रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज के लिए कुछ ज़्यादा उनकी एक्सेस होती है, लाइक फूड और मेट। ये आपने देखा होगा, इसकी एग्जांपल जो हैं दो बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, आपने जो आम ऑब्जर्वेशन में आती हैं। आपने देखा होगा कि जब कभी चूज़ों को, ये जो घर के अंदर जो आप रखते हैं डोमेस्टिकेट चूज़े रखते हैं, ये भी इनके अंदर भी वाइल्ड इफेक्ट होता है, तो वाइल्ड में तो बहुत ज़्यादा है, तो इनको अगर जब आप फूड डालें तो कुछ चूज़े जो हैं वो ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, बाकियों को अपनी चूँचों से मारते हैं और फिर उसके बाद वो खाते हैं, और वो ये पक्की बात हो जाती है कि ये जो है ये मारेगा, ये जब आप डालेंगे उसको फूड वगैरह तो पहले वो खाएगा और उसके बाद फिर बाकियों को जो है वो मिलेगा। सो फाइनली ये लीनियर हायरार्की और डोमिनेंस इज़ फॉर्म्ड। लीनियर से मुराद ये था कि पहले एक
डोमिनेटिंग है, उसके बाद उससे, उसके बाद उससे, उसके बाद उससे, तो ये दोनों ही चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है आमतौर पर, ये छोटे बच्चों में फूड हासिल करने के लिए, और जो बड़े एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं उनमें फिर ये रिप्रोडक्शन के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। डोमिनेंस हायरार्की आल्सो एग्जिस्ट इन मैनी वर्टिब्रेट्स। कभी आप अगर मरी वगैरह गए हैं या इधर उधर आपने मंकीज़ को बैठे हुए देखा होगा, या वैसे ही ऑब्जर्वेशन होगी या डॉक्यूमेंट्री आप देख लें, तो एक मंकी जो ज़्यादा बड़ा होता है वो ख़ासतौर पर, ये आम जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं मंकीज़ जिन्हें रेसिस मंकी कहते हैं, इनके अंदर भी है, और बैबून्स के अंदर जो बड़े मंकी इनके अंदर तो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर एक मंकी जो है वो डोमिनेट करता है, वो फूड भी हासिल करता है, वो रिप्रोडक्शन में भी ज़्यादा एक्टिव होता है, और उसके बाद जो है वो बाकियों को, तो बाकी बहुत सारे कई दफ़ा तो ये होता है बाकियों को भगा देता है, बाज़ात ये कि आवाज़ें ऐसी निकालता है, कलर्स ऐसे शो करता है कि बाकी उससे डरना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली डरने का मकसद ये होता है कि वो फूड ज़्यादा हासिल करना चाह रहा है, या किसी जो ग्रुप है उसके ऊपर वो डोमिनेंस करना चाहता है या कब्ज़ा करना चाहता है। द स्ट्रॉन्गेस्ट मेल इज़ द हाइएस्ट इन द रैंक इन द बेबून्स। लेकिन बाज़ का ये होता है कि कुछ जो ओल्ड एनिमल्स हैं वो मिलके कोई डोमिनेटिंग जो बेबून है उसको फिर वो भगा देते हैं या उसको सबड्यू कर लेते हैं उस पर, तो जो एक ग्रुप है उसको फिर लीड करते हैं एजेड जो मेल्स होते हैं, लेकिन वो एक अकेला नहीं कर सकते, एक से ज़्यादा करते हैं। सो समटाइम, बट दिस इज़ वेरी रेयर, क्योंकि ये हेल्पफुल नहीं है या हेल्दी नहीं है फॉर दी क्लैन और या उस ग्रुप के लिए, क्योंकि उससे मकसद इसका सिर्फ एक ही है कि जो अच्छे से अच्छे जीन्स हैं वो अगली नस्ल के अंदर मुंतकिल हों। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम जो टर्म्स हैं उनको करते जाएंगे, और आप इनको अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे देखेंगे और तो आपके लिए कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, और आपका जो एग्ज़ाम है उसमें भी इसी तरह की चीज़ें जो हैं वो होंगी। थैंक यू वेरी मच।